good, Paul. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल हियर। यदि आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी दबाएं सब्सक्राइब बटन को, इसके बगल में दिए गए बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे सारे नए वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिलें। धन्यवाद। स्टार्टिंग से ही आपको पता चल गया होगा कि वीडियो आज की कितनी हॉरर होने वाली है। सो मेरा आप लोग से एक अनुरोध है कि कमज़ोर दिल वाले इस वीडियो का मैंने दो पार्ट में बांटा है। लास्ट वाला पार्ट कमज़ोर दिल वाले ना देखें, शुरू का देख सकते हैं। That is red band part. तो लगभग 24 घंटे होने वाले हैं। एविल डेड राइज का ट्रेलर आए हुए और ट्रेलर दो भाग में आया है, जैसे कि एक है ग्रीन बैंड और एक है रेड बैंड। तो ग्रीन बैंड वाला सब कोई देख सकता है, लेकिन रेड बैंड वाले के लिए काफ़ी जिगरा चाहिए, ज़्यादा उसमें खून खराब होता है कि मतलब कमज़ोर दिल वाले ना देखें तो ही अच्छा है। तो ये एक तरीके से हम वार्निंग दे रहे हैं शुरुआत में ताकि बाद में हमसे कोई ना कुछ कहे। तो चलिए आज की वीडियो अब शुरू करते हैं। स्टार्टिंग हम ग्रीन बैंड से करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। ये कौन सोया है? फिंगर में कुछ हुआ है ना? आंख में उसके मक्खी बैठ गई भाई, तब भी आंख नहीं जब पाई। कैसे ऐसे ऐसे मुंडी किसी की घूम रही हो ऐसे? ये तो वही नेक्रोनॉमिक किताब है इनकी। क्या स्माइल है इसकी यार, देखा आपने? कैसे निर्दय यार, अंडे फोड़ रही कैसे? कैसे अच्छा, ये तो जैसे वेयरवुल्फ में कन्वर्ट हो रही हो। भगवान को भी ऐसे दिखा रहे हैं कि डर जाए कोई। फिर वो पीछे क्या है, देख कैसे आ रही है शैडो में। विटनेस द राइज, अबे हवा में उड़ रही है बे। अगर आप इंजेक्शन लगा देगी ये उनका फोन से ना आएगा। वो लिफ्ट से खून निकालने लगा पूरे। अब इसकी आँख, ये कौन आ रहा है? बाथटब से कोई निकल रहा है। इसकी आंखें देखो। कान पार डालेगी सबके, ऐसे चिल्ला रही, कांच और टूटे जा रहे घर के पूरे। एविल डेड राइज बहुत ज्यादा ही खतरनाक था ये तो। कुछ गेम टाइप का खेल रही क्या? ये घसीट ले गए इसको। 20 अप्रैल, मतलब इतना काफी कुछ हो गया एक साथ, कुछ हम लोग देख ही नहीं पाए। एक बार में अच्छे से कुछ ज्यादा समझे हैं, तो एक बार और देखते हैं फिर हम इसके बारे में कुछ कहेंगे। ऐसे ऐसे सीन्स थे, ओ माय गॉड, कुछ कहा नहीं जा सकता। चलिए इसको एक बार फिर से देखते हैं, हम इसमें क्या एक्सप्लोर कर पाते हैं। सोई हुई जैसे बीमार हो, उसकी उंगली में चोट भी लगी है। आई थिंक इसकी मम्मी है शायद। जैसे आंख नहीं झपका, जैसे मर गई हो लेकिन जिंदा है। ये सही चीज है ना, ऐसे घुमा दे रहे हैं। जैसे थ्रिलर और सस्पेंसफुल माहौल बना रहे हैं लोग।
म्यूजिक के द्वारा तो नहीं, बट इसके बाद ये इनकी भूतिया किताब है और ये उनका वही पुराना कैमरा स्टाइल, जैसे कि पुराने वेल्डर मूवीज में दिखाते थे कैमरा फॉलो करता था, सेम वैसे ही। ये भूत यार कैसे बनाए इन लोग ने, हाँ वही मतलब जो तक चेहरा ना दिखे लग रहा है कोई मॉडलिंग कर रहा है। भूत को काफी खूबसूरत बना दिया है, बट वो बस थोड़े देर के लिए जब वो अपने चेहरा देखते में आती है तो द हॉट आई थिंक इज स्पेल टाइप्स कुछ है ना उनकी, वही नेक्रोनॉमिक किताब है जिसको अगर कोई बोल के पढ़ देता है तो मुर्दा जिंदा हो जाते हैं। हम लोग पुराने मूवीज में देख चुके हैं तो हमें पता है। ये सीन काफी सही जो पीछे से निकल के आ रही है उसकी मॉम, उसको आगे शीशे में रिफ्लेक्शन में देखिए और पीछे देखते हैं इसलिए चिल्ला रहे हैं। ये पानी से निकलने वाला सीन तो हवा में उड़ रहा था, दिन में भी भूत हैं, रात का बात तो छोड़ दो, दिन में भी सेफ है। इंजेक्शन लगा देगी, इंजेक्शन नहीं वो टैटू बनाने वाली मशीन थी। ये सीन काफी सही होने वाला है मूवी का। आंखें पलटने वाला सीन तो मैं कहूँगा आप लोग स्किप भी कर सकते हैं। और ये बाथटब वाला सीन तो क्या ही कहा जाए। सोचिए आप ये वीडियो का हेडफोन लगा के देख रहे हो, ऐसे अचानक से चिल्ला दे क्या होगा, एविल डेड राइज हो जाएगा सही में। ये फिंगर सीन तो ये 20 अप्रैल को आने वाली है मूवी, तो मतलब दो बार देख के अब काफ़ी कुछ समझ में आ रहा है हमारे। जैसे कि हम कह सकते हैं 2013 में आई एविल डेड थी, काफ़ी मिलता जुलता है लेकिन उससे भी ज़्यादा ब्रूचुअल है, गोर है, काफ़ी ज़्यादा खून खराबा है। और इनकी जो फिल्म स्टाइल है उसको काफ़ी मतलब पुराने से रिसेम्बलेंस मिलती है, अच्छा लगता है देख के कि वो कैमरा मूवमेंट आज भी है तो उससे हमें पुराने रिकॉल कर सकते हैं, जैसे याद आता है कि हाँ ये तो देखा है कहीं। और काफ़ी चीज़ें मॉडिफाइड, जैसे आज के एरा के अकॉर्डिंग मूवी में भी वो दिखेगा चेंजेस, जो उस टाइम से 10 सालों का चेंजेस आप मूवी में भी देख सकते हैं, काफ़ी चीज़ों को 10 साल हैं पूरे 10 सालों, 2013 में आई थी 2023 में आ रही, तो 10 साल तो हैं पूरे। और उसके पहले की जो हमारी 90s की ब्रूस कैंपबेल वाली जो ऐश जिसको हम जानते हैं अपने ओजी ग्रुप, वो तो काफ़ी ओपी परफॉर्मेंस थी उनकी। हम बस इतना ही विश करते हैं कि शायद उनका भी कैमियो देखने को मिल जाए, काफ़ी मज़ा आ जाएगा। सो ये तो पार्ट हो गया जो सब कोई देख सकता था, अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं रेड बैंड वाला, उसमें हम लोग को भी नहीं पता है क्या होने वाला है। आईब्रोज अपने आप ऐसे ऐसे हिल रही है यार, इतना बवाल चीज है। चलिए गाइस शुरू करते हैं। रिस्ट्रिक्टेड हैज बीन अप्रूव्ड, साफ साफ लिखा है द फॉलोइंग रिस्ट्रिक्शन। ये सीन तो पुराना वाले जैसे ही आई है, बहुत जैसे आवाजें इसकी काफी तेज तेज डाली हैं, मतलब अंडे नहीं फोड़े सीधे तवे पे दे मार रही है। अंडे से ब्लड निकला ना, हाँ हाँ। वे कितनी लाशें लाशें पड़ी हैं देख लो, वो हमको लगता है एक रिसेम्बलेंस दिखा, वो खार थी पूरा बाली। अभी सामने कैमरे पे दिखा दे रहे हैं, डर लग रहा है इसको देख। नेक्रोनॉमिक किताब है इनकी, इसको बोल के नहीं पढ़ना होता, अगर जिसने बोल दिया तो मुर्दा जिंदा हो जाएंगे। ये पुराने प्रोफेसर वाली की आवाज थी, क्या कर रहे ऐसे बैठ के, ये बच्चे अलमारी में कहाँ घुसे, अच्छा दरवाजा है। तेरी अपने बच्चे को किस देगी पूरे चेहरे पे, दरवाजा खोल गर्दन दबा दे।
इसके अंदर टैटू बनाएगी क्या? अबे अबे कद्दूकस से इसकी स्किन छीलने वाली थी। अबे क्या उसकी स्किन काट के निकल रहा है क्या अंदर से? कहाँ चबा रही थी वो मैं? ये पुरानी वाले स्टाइल में आ गए। Evel comes home. अबे बाथटब से निकली। इसमें साउंड इफेक्ट पहले वाले से काफी ज्यादा डाल दिए। बहुत तगड़े हैं। तब अचानक से म्यूजिक ऐसी आती है कि सुन के कान फाड़ देंगे क्या ये लोग? यार ट्रेलर देख के इतना डर लग रहा है कि अंदर से कुछ हिलता हुआ महसूस हो रहा है, जैसे कि हिल रही पूरी बॉडी शेक कर रही हो। और ये ठंडी की वजह से नहीं है, ये इसका असर है। इसका असर है, आई मीन क्या था ये? एक बार और मतलब वो वाला तो था ही, पर देखो क्या लिखा है इसके, हम लोग आपको पढ़ते। द फॉलोइंग रिस्ट्रिक्टेड प्रीव्यू हैज बीन अप्रूव्ड फॉर एप्रोप्रिएट ऑडियंसेस बाय द मोशन पिक्चर एसोसिएशन कमीशन। द फिल्म एडवर्टाइजमेंट हैज बीन रेटेड आर स्ट्रॉन्ग ब्लडी हॉरर वायलेंस एंड गोर एंड सम लैंग्वेज अंडर 17 रिक्वायर्स अकॉम्पनी पेरेंट ऑफ मतलब 17 साल से पहले वाले बच्चे जो हैं वो अपने मम्मी पापा के साथ चाहें तो देख सकते हैं, वरना जरूरी नहीं। अकेले कोई जरूरत नहीं, इतना खून खराब है, देख लेंगे ना बेचारे, मन डिस्टर्ब हो जाएगा। नहीं नहीं, अरे ट्रेलर देख के हमारी एकदम बॉडी कांपी जा रही है। तो एक बार आखिरी बार इसको और देखते हैं, फिर हम अपने फाइनल रिव्यू आपको बताएंगे। हॉल में इसको लोग कैसे देखेंगे? नहीं, हॉल में देख लेंगे, लेकिन जो घर में आएंगे तब उनका असली केस होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। रेड बैंड अभी तक नॉर्मल लग रहा है कि भाई कोई गैस ऑन किया ऑमलेट को, लेकिन यहाँ से ये थोड़ा डाउटफुल होने लगता है क्योंकि वो एग में ब्लड जैसा वो दिखाते हैं ना, तो नहीं कितने बेरहमी से नॉर्मल इंसान ऐसे अंडे नहीं काटता, ऐसे नहीं काटता ये सब सीन। इट वाज द परफेक्ट नॉर्मल। एक वाइट की जगह एक ब्लड है। All I could think about was how much I wanted to cut you all open and climb inside your bodies. Yes, sir. Nahi to kya yaar, aap ki happy family ritual. Singh the phone ka. Kamera was just a little. Jab ye sab darth bhi achhi tarah मतलब चेहरा नहीं जब तक दिखता है तब तक लगता है नॉर्मल है, लेकिन चेहरा दिखते ही भाई साहब समझो। बच्चों को ये किताब कौन देता है यार? मिली है इसको इसके घर में, मेरे डरावनी आवाजों से प्रोफेसर की आवाज। कांप रही पूरी बॉडी इसको देखने में यार। करी तुम अच्छी नहीं लग रही माँ। ये वाला सीन भी काफी खराब है। इस बार इस किताब का मुंह भी चबा जाएगी। जैसे लग रहा है डेड आर्मी आ रही है और ये फाइनल सीन का लगता है। म्यूजिक काफी तगड़ा है। पूरा ब्लड एकदम अब इसको अच्छा हम लोग हेडफोन नहीं लगाए, नहीं तो ये सच में हार्ट फेल करा दे किसी का भी। इसके लिए कैमरे काम नहीं करते। एवल डेड राइज, मेरा तो दिमाग राइज हो गया है गाइस, इसको देखकर क्या कहे समझ ही नहीं आ रहा एकदम। कांप रहा हूँ यार सच में इतना ज्यादा, क्या कहा जाए। हम बस इतना कहते हैं कि इसको आप लोग अपने रिस्क पे ही देखने जाइएगा।
लेकिन चाहिएगा जरूर। हम लोग को भी डाउट है कि हम लोग देखेंगे कि नहीं, क्योंकि यही देख के एकदम अभी है कुछ। अगर कहीं से कंफर्म हो जाए इसके रिलीज होने से पहले कि अपने ब्रूस कैंपबेल इसमें दिखने वाले हैं, अगर कहीं से भी, तब तो पक्का है, पक्का है देखने वाले हम लोग। नहीं दिखेगी तो थोड़ी निराशा जरूर होगी, मतलब चाहते तो दिखा सकते क्योंकि सुनने में आया ऐसा। एविल डेड का नाम लिया जाए और वो ना हो तो क्या मतलब है फिर। और मैं उस चेन सॉ वाली फाइट से काफी एक्सपेक्टेशन है कि मतलब अपने ब्रूस कैंपबेल जैसा कुछ होने वाला हो, या फिर हाथ में पहन के और बंदूक भी हो सॉ तो अच्छी लगेगी। पर ये तो, ना उसमें मेल था, इसमें फीमेल है, वो लड़की है तो शायद उतना बेरहम ना दिखा पाए। जो भी हो सकता है क्या। तो बेसिकली इसमें हम लोग अभी जितना देखे ऐसा है कुछ कि एक पुराने से घर में फैमिली रह रही है, शायद एक बहन बच्चे पाल रही है, दूसरी उसके यहाँ गेस्ट बन के आई है रहने के लिए। और उस तभी उनको उसी घर में कहीं से वो शायद किताब कुछ मिलती है, नेक्रोनॉमिक किताब, जिसे साफ साफ कहा गया है कि बोल के नहीं पढ़ना है, देख लो रख दो चुपचाप, लेकिन बोल के नहीं पढ़ना है क्योंकि तुम्हारे मुंह से जैसे ही उसके वाक्य निकलेंगे और मुर्दे जिंदा हो जाएंगे। तो एविल डेड का मतलब ये कि जो मरे हुए हैं इनको पढ़ते ही जिंदा हो जाते हैं, जो इंसान को भी खा जाते हैं, पूरी फौज उनकी आ जाती है। तो पता नहीं किसने पढ़ा है, ये तो इस ट्रेलर में नहीं दिखाया गया है कि किसने पढ़ा है, लेकिन जो भी पढ़ा एकदम दिमाग से खत्म आ गया। ये चीज है कि मरे हुए लोग जैसे जिंदा होते हैं, पर इसमें जिंदा लोग जो ऑलरेडी है उनके अंदर वो लोग आ रहे हैं, ये चीज मुझे देख के थोड़ा सा नहीं, उसमें भी था जैसे जो लोगों पर भूत हावी होते थे वैसा वाला, ऐसे वो लड़की थी 2013 वाले में, उसके पहले में एस भी एविल बन जाता था, एविल बन जाता था। तो इसमें इसकी बहन ही बन गई है। और ये अपने बच्चों को नहीं मार रही है ज्यादा, बच्चों के बड़े भाई बहन को, लेकिन छोटी बच्ची को शायद नहीं मारेगी जहाँ तक हमको लगता है, वो बच्चे को लास्ट तक उसको दिखाया है बच्ची को, और उसको ऐसे कहीं मारते हुए भी नहीं दिखाएं, तो आई होप की वो बच्ची बच जाए। बस वो डरा रही है, ब्लड से सना हुआ दिखाया गया है उसको कई कई सीन्स में। So, इतना ही आज के लिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं कुछ कहना, कह नहीं सकते। नए साल की स्टार्टिंग मतलब स्टार्टिंग ही इतनी ज्यादा खतरनाक हुई है, हॉरर है। और हमारा वीडियो काफी समय बाद आ रहा है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग इसको खूब सारा प्यार देंगे, लाइक्स कमेंट एंड शेयर करेंगे, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वी सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय।